हाय अल्लाह, चांद रात भी अज ही आनी सी। एक तो मौलवियों का भी पता नहीं लगता, जो मर्जी चंद चढ़ा देंगे। हाय अम्मी जी, मेरी बात सुने। की आ? भाई को कॉल करके बुला देना, मैंने पार्लर जाना, मैंने वहां जाके बहुत काम करवाना है अभी। अच्छा, केड़े काम ने जेड़े तू पार्लर जाके करवाने ने? घर मेरे नाल करवाने लगे तेन मौत नजर आती है। अम्मी, मैंने घर वाले काम नहीं करने हैं, मैंने अपना फेशियल करवाना है, मैनी पैडी करवाना है और स्टीम भी लेनी है। आपको क्या पता कितने काम होते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे सारे काम ते मैं तेरे कार भी करवा सकनी हूँ। हैं? वो कैसे? वो ऐसे, मेरी पुत्री सब तो पहले पतीला लो और इसे पानी गर्म करो, फिर जो दुपट्टा अगे रख के ना वो सारी स्टीम अपने मुंह ते लेना, तुहाडे मुंह नूं स्टीम मिल गई, हुण ओही गर्म पानी तुसीं पाना मशीन दे विच, ते जिहड़ा परागा कपड़े दा पिया ना वह धोने ने, उहदे बाद की करना सी मैनीक्योर, भांडे धोवेंगे ना तेरा मैनीक्योर होइएगा, फर्श धोवेंगे तेरा पैडीक्योर होइएगा, फिर जो तू पसीने ना भर जाएंगे फिर नाली तू उंज तैयार होइएगी, ईद की तैयारी भी होगी, घर के काम भी मुक गए, चल शावर छुट के शुरू होइया। अच्छा जा रही हूँ, इस घर में तो पैदा होना ही मुसीबत। ओए बटन लावा कमीजानू, नाले तेनू याद करा, नाले रोवा नसीबानू। रोना ते मैनू चाहिदा अपने नसीबां ते जिन्नू तेरे वर्गा शगिर्द टकर गया। काम तू टकेदा नहीं करदा है ते गाने ते कोई नवे नवे सुन लवो। उस्ताद जी, काम करदे आ गाना गाओ ना ते बंदा फास्ट हो जांदा है। ओए एड्डा तू फास्ट होना हुंदा ना ते मेरे तो वड्डा मास्टर होना सी तू। 8 साल हो गए ना ये तिकर तू बटना ते अड़िया में। उस्ताद जी, मेरा ते तुहाडे नाल दिल लग गया तां तुहाडी जान नहीं छड्डदा। मेरी छड़ो तुसीं ऐ दसो, लोकां ने सारे सूट सीते जे कि ऐतकी भी फिल्म ही चलानी है? पुत्तर ऐतकी भी फिल्म ही चलानी आ, जिहड़े पिछे 4-5 टंगे नहीं ना, सिर्फ ऐ ही बने नहीं, बाकी सारा काम उंज ही पे आई। पिछली वारी तू मैनूं तका बहाता ही झूठा, हुण की कहानी पानी आ? उस्ताद जी, मेरे को एक बड़ा कमाल आइडिया जे है, थोड़ा रिस्की है लेकिन तुसीं मान लो ना ते साडे वारे न्यारे हो जाएंगे। इंज करो, दुकान के बाहर लिख के ला देने, उस्ताद जी कै हो गए ने, इदो बाद आके लोगों को आखिया जी मैं तो सुता हाँ, मैनू एवं ताबा है। कैसा फिर? ओ पुत्तर, मुंह चंगा ना ना है ते गल चंगी कर ले दी है, नाले मरन तेरे शरीक मैं क्यों मरा हाँ, कोई चंगी सलाह दे वरना चुप हो के बह जा। पुत्तर देगा दा इंतजाम कर ला, तेरे प्यो दा टाइम आ गया ही। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। तुसी बाजी सो गए ने कज़न हो ना? अगे उन्होंने मैंने फोन आया सी कि मेरी कज़न आंदी है, खैर दसो कहो जी मेहंदी लवानी है? बाजी मेहंदी का डिज़ाइन तो मैं अपने साथ मोबाइल के अंदर लेके आई हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि आप उस डिज़ाइन की मेहंदी लगा लेंगी ना? जी जी बाजी, जैसा डिज़ाइन बोलेंगी वैसा ही लगा के दूंगी, मेरे ना PhD की हुई है मेहंदी यादव जी में। वाह बाजी, मेहंदी की भी डिग्री आ गई है? और नहीं तो बाजी, ये सारे मेरे ना यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारा मेरा पोर्टफोलियो लगा हुआ, आप देख सकती हैं। इकरा अजीज, एमन खान, आयजा खान और नेहा कक्कर की शादी पे मेहंदी मैंने ही लगाई थी। और आपको पता है, जब नेहा कक्कर की शादी पे सलमान खान ने उसकी मेहंदी देखी, भाई वो तो फैन हो गया, उसने उसी वक्त बोला कि बाजी वो मोना का नंबर लेके दो मुझे, मुझे कॉल आती है, कहता है मैं सलमान खान हूँ, मैंने कहा ओ सल्लू भाई जी कैसे हो, कहता है जब भी मेरी शादी होनी है ना मेरी बीवी को मेहंदी आपने लगानी है, यकीन माने बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ पर सलमान खान की अभी तक शादी नहीं हुई। वाह बाजी, मैं तो जैसी मेहंदी वाली चाह रही थी आप तो बिल्कुल वैसे निकली, बस आपने एक काम करना है, आपने मेरे दोनों बाजुओं पे मेहंदी लगानी है और मेरे महबूब का नाम इस तरीके से लिखना है कि किसी को नजर ना आए। अच्छा चलिए, अपने महबूब का नाम बताएं। जी जी बाजी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे महबूब का नाम है हमजा, समी, अली, त्याग, गोहर, मुआस, अहमद, शकील, मंसूर और शाहिद। 10 महबूब है बाजी आपके। बाजी मुझे एक बात बताएं, कहीं आप बाबा जी के पास तो नहीं जाती महबूब आपके कदमों में? वैसे एक बात पूछूं, माइंड ना कीजिएगा, इतने महबूबों को आप करती क्या है? जब मैं आपसे मेहंदी लगवा के घर जाऊंगी ना तो सब महबूबों को उनके नाम की तस्वीर व्हाट्सएप करूंगी
और वो बदले में मुझे देंगे ईदी 2000 ईच महबूब, यानी टोटल 20,000 रुपया, जिसमें से मैं दूंगी 5,000 आपको और 15,000 खुद रखूंगी और ईद भी अच्छी गुजर जाएगी। और बाजी मैं तो महबूबों का यही सब कुछ करती हूँ। बाजी आप टेंशन ना ले, मैं आपको इस तरीके से मेहंदी लगाऊंगी कि किसी को कोई नाम नजर नहीं आएगा, जिसको आप फोटो भेजोगी ना उसको सिर्फ उसी का नाम दिखाई देगा। वाह बाजी, चले फिर काम शुरू करें। चले आइए, मैं आपको मेहंदी वाले रूम में लेकर चलती हूँ। ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया, ऐ चांद वो जब तेरी तरफ देखे तो उसको कुछ याद दिलाना, उसे कुछ प्यार भरे गीत सुनाना और कहना उसे कि तुझे आज भी कोई याद करता है, तेरी आरजू करता है, तेरी उम्मीद करता है और कोई आज भी तुझे देख के ईद करता है। और ये उस बेवफा के लिए, हानिया तूने मेरा कितने प्यार से काटा है, लोगों की तो आज चांद रात है और मेरी जिंदगी में आज भी सन्नाटा है, आज भी सन्नाटा है। लकी ओ लकी, बाहों में चलिया हो हमसे सनम क्या करदा। आराम आराम ट्विंकल, क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता है बहुत तैयारियां पड़ी हुई हैं, फुल मजा आने वाला है। हम जल्दी से अपना फेशियल और मसाज स्टार्ट करते हैं। लकी जल्दी से मेरे फेस पे अप्लाई कर दो, और तुम्हें तो पता है सुबह ईद है, सबसे खूबसूरत सिर्फ मुझे दिखने। ये तो पाव वाली क्रीम है, ये तुम्हारे मुंह पे लगाओ। पागल, मुझे मुंह वाली क्रीम दो। This one is for face. Get ready. Please, dark circles के नीचे ज़्यादा लगाना चाहिए। मैंने कर दिया है और dark circles तो पड़ेंगे जब सारी रात Netflix जो देखना है और सुबह 8 बजे सोना है। So funny Lucky, अगर जुबान से ज़्यादा तुम्हारे हाथ चले ना तो हमारा काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। लो मैं तुम्हें लगा देता हूँ। John darling. Okay, Twinkle, listen to me. Time already बहुत short है, so अभी हम जल्दी से अपने हाथों और पाँव पे mask लगा लेते हैं. Okay, let's go. पहली तैयारी complete होगी, अब थोड़ा सा footwork हो जाए, इस बहाने ये सूख भी जाएगा। चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्ठियां कलाइयां वे, विदेश से आइयां वे, ओ बेबी मेरी वॉच कलाइयां वे। बेबी यू नो जब हमने ये वॉश करना है ना तो चांद भी हमसे शर्माना है और ईद वाले दिन सबकी नजरें हम पे होनी है। लेट्स गो एंड वॉश। हेलो बेबी। हाय बाबू। नाजुक सी उंगली मुंह में चुबाना, चांद रात है बेबी, थोड़ा सा मुस्कुराना। चिड़ियों की चांद रात होती है गंदम के दाने से, मेरी चांद रात होती है आपके मुस्कुराने से। पर बेबी इस दफा मेरी ईद बहुत खराब गुजरेगी। क्यों बाबू? क्योंकि आपने इस दफा मेरे से फोटो भी नहीं मांगी और मुझे देख के ये भी नहीं बोला कि मुझे मेरा चांद नजर आ गया। मैं तुम्हें चांद कहूँ ये मुमकिन तो है, मगर लोग तुम्हें रात भर देखें ये मुझे गवारा नहीं। आह बेबी आई लव यू सो मच। अच्छा चले ऐसा करें, अब आप पॉलर हो आए, कल ईद की नमाज के बाद मिलेंगे, सही है? ओके बाय। हां वही गुलाम रसूल, चांद रात मुबारक होवे तेनू। खैर मुबारक। पीछे हो ना जरा, नाले तेनू याद नहीं हो ईदा जदों साडा ब्याह नहीं सी होया है, ते तू गली चो लंघना सा ते मैं वाला केड़ा गाना गानी सा, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। फिर वही गल, रमजान की मुक गया हूं तो शुरू हो जाने 24 घंटे। नू जा तेन मैं प्याज दे पोचनी पानी ते हो नाली नरगस नाल जाके पावा। आराम नाल बह जाओ, नरगस तन बड़ी याद आती है,
चुप करके ना पैडल मारो ते फैनियां लेके आओ। सवेरे ईद की नमाज पढ़ के आओगे ना अपने हाथों नाल तुहानू खवावांगे। चलो अच्छा नोचा पता नहीं कदों मरना इस नरगस ने। नागा ने पूरी मैंने बंदे नु काबू करके रखिया। अम्मी अम्मी की है थले बाजी ना अपने बच्चियां जो के नवी पैंट शर्ट ते शूज ले आ गया ये मेनू भी ले आ के दबो मैं भी ईद मनानी है। इधर आए ना जरा मेरी गल सुन। दिमाग ठीक है तेरा? क्यों अम्मी जी एक गल मेरे सामने ते बोल दीती है अपने प्यो के ना बोली जानू मार देना ही उन्हें तेनू। क्यों मैं ते बस कपड़ा ही मंगया ने। मेरा पुत्तर है क्यों दा जवाब ना साडे गरीबा कोल नहीं हैगा। ए जड़ियां ईदां ने ना ए अमीरा वास्ते बनियां ने साडे गरीबा वास्ते नहीं है। असी इत्थे काम करन आने आ मेरा पुत्तर। असी इन्हां दी मुकाबलेबाजी नहीं कर सकदे। मेरा पुत्तर थल्ले जा के ते अपना काम कर। हाय मेरे डाडे रब्बा मैं अपने पुत्तर नूं मारना नहीं सी चाहुंदी लेकिन ए गरीबी की कुछ करवांदी। क्यों अमीरा लई अलग दुनिया बनाती है ते गरीबा लई अलग बनाती। अपने पुत्तर नूं चुप कराने लई मैनूं उन्हूं मारना पिया। अज्ज